नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.1, जिसमें हमें मीन निकालना होता है। उसकी हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक वीडियो है जो कम से कम 15 मिनट की होगी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम तीनों के तीन मेथड जो मीन निकालने के होते हैं सारों से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, क्लास इंटरवल हमारे पास ये है, उसका यूज करके हमने एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई निकालते हम कैसे हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड में 2। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये आपके सामने एक्स आई आ जाएगा। अब तक अगर आपने इसके तीन चार क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो एक्स आई आप आराम से निकाल लोगे। अब एक्स आई निकालने के बाद हमें निकालना होता है एफ आई एक्स आई। अब एफ आई कौन सा है, एफ आई होता है ये। तो अब एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद 66.5 मल्टीप्लाई 2 होता है 133। अब 69.5 जो है इसकी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 278। फिर आता है हमारे पास इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 217.5। देखिए, एक बार आप क्या करिए, आप मल्टीप्लाई साथ के साथ करते चलिए, क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई यहां पे करके दिखाई तो ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप इसकी मल्टीप्लाई साथ के साथ करते चलिए, और यहां पे इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वन 69.0। अब इसका समीशन कर लीजिए एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। जब हम इसको जोड़ेंगे सारे को तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2277। ठीक है, अब समीशन ऑफ एफ आई, एफ आई हमारे पास ये है, इसका समीशन हम कर लेते हैं यही 4, 2, 6, 3, 9 और 8, 17, 4, 21 प्लस 2, 23 प्लस 7, 30। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू सामने आ चुकी है। 2277 को हमें 30 से डिवाइड करना है। 2277 को 30 से डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं 7 पे, 210, फिर हमारे पास आ गया, अब हमें जाना पड़ेगा 5 पे। अब हम यहां पे 0 ले लेते हैं, अब ये हो जाएगा 75.9, हमारा लास्ट आंसर आ गया जो इसका मीन है। तो इसकी मीन वैल्यू कितनी आ गई, 75.9। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मीन फाइंड करना। अब हम, वो हमारी मर्जी होती है हम किस मेथड से मीन को फाइंड करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे ये स्टेटमेंट आपको दे दी गई, इसके बाद लिखा होता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके ही आपको मीन निकालना है, तब आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको एज्यूम्ड मीन का यूज करके ही मीन निकालना पड़ेगा। ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है। देखिए, एक्स आई तो आप जानते ही हैं कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमें इसमें निकालना होता है डी आई। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मीन निकालने का, एज्यूम्ड मीन मेथड से फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई। तो अब आप कहेंगे ए क्या है, ए हमें मानना होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, ए हमें एज्यूम करना होता है एक्स आई में से। तो हम ए क्या एज्यूम कर रहे हैं, 75.5, 75.5। आप दूसरा, आप 72.5 को भी ए एज्यूम कर सकते हो, लेकिन हम 75.5 ही क्यों कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 है और इसके नीचे भी 3 है। अब 66.5 में से जब हम 75.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर 3, 6 एंड 9, हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई, क्योंकि इसी चीज की तो हमें रिक्वायरमेंट है एज्यूम्ड मीन मेथड में। तो अब हमारे पास एफ आई डी आई, हम क्या निकालेंगे, इसकी और इसकी हमें मल्टीप्लाई कर लेनी है, 0, 7, 3 जा 21, 4, 6 जा 24 और 2, 9 जा 18। तो अब हमें घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। एंड व्हाट्स द राइट वे,
अब माइनस वालों को अलग से सॉल्व कर लीजिए, प्लस वालों को अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो 24 प्लस 18 कितने होते हैं बताइए, 42 प्लस 9 कितने होते हैं 51। तो ये हो गया माइनस का 51, और ये कितना हो जाएगा 21, और 20 कितने होते हैं 31, 41 प्लस 4 45, और 10 55, और 8 63। तो 63 में से 51 गए 12, ये आ गया हमारा 12। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे, एफ आई की वैल्यू हमें पता ही है, ये तो चेंज ही नहीं होगी, एफ आई इज इक्वल टू 30 है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला, हमें क्या मिला 75.5 प्लस 12 बाय 30। अब आप इसको चाहे तो एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको पहले यहीं पे सोल्व कर लीजिए, 12 की डिवाइड कर दीजिए 30 से। तो ये पहले तो नहीं जाएगा 0.4, तो ये कट गया पहले ही स्टेप में। तो आपका आंसर आपकी आंखों के सामने आ गया, आप चेक कर सकते हैं 75.9 इज योर करेक्ट आंसर। दिस आंसर, ये जो आंसर है हमारा 75.9 एज्यूम्ड मीन मेथड से भी आया, और ऊपर वाले मेथड यानी डायरेक्ट मीन मेथड से भी हमारा सेम आंसर आया। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड यूजिंग ए प्लस मिशन ऑफ एफ आई यू आई बाई एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो हमें क्या निकालना है, यू आई, तो डी आई तो हमारा वही सेम, ए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम ए दोबारा फिर 75.5 ही मान के चलेंगे। तो जब हम ए 75.5 मानेंगे, इसके बाद 66.5 में से हम इसको माइनस करेंगे एक्स आई माइनस ए फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये हमारा हो गया 369। अब हमें निकालना है यू आई, यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाय में एच। तो एक्स आई माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है, अब कहेंगे आप एच क्या है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे ये जो इंटरवल है इसके बीच में डिफरेंस कितना है 3 का, तो माइनस 9 बाय 3 कितने होते हैं, माइनस के 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। एफ आई यू आई, अब हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 6, माइनस 8, माइनस के 3, 0, 7, 8 एंड 6। अब हमें क्या करना है, समीशन कर लेना है यानी जोड़ लेना है एफ आई यू आई को। इसमें भी हम वही करेंगे, माइनस वालों को अलग से प्लस वालों को अलग से, लेकिन यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17, लेकिन माइनस के 17, 8 और 7 15 प्लस 6 21 प्लस के 21 माइनस के 17, तो कितने हो गए 4, लेकिन आंसर किस चीज़ में आएगा, 8 6 14 3 17 और ये है प्लस, आंसर आएगा प्लस के 4। ये समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास पहले ही है, हमने पहले सोल्व कर लिया है दो बार 30। तो आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू 75.5 प्लस 4 बाय 30 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 क्या है हमारा एच, तो वही पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। अब तो वहां से ये 12 बाय 30, आफ्टर सोल्विंग 12 बाय 30 वी गेट 75 प्लस 5 प्लस 0.4 एंड देन आवर फाइनल आंसर इज दिस 75.09। तो इसका जो मीन है क्वेश्चन का 75.09 इज योर फाइनल आंसर। आप आंसर चेक कर सकते हैं आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।